हरियाणा में ठगी और धोखाधड़ी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में बदमाशों को पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला जींद के खटगढ़ गांव से सामने आया है, जहां फर्जी सरकारी ऑफिसर बन रहे लोगों ने राज मिस्त्री को सस्ते भाव में सरिया दिलाने का झांसा देकर 2 लाख रुपए का चूना लगा दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिस वीडियो में 2 लोग राजमिस्त्री से पैसे अड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं डीएसपी जितेंद्र खटगड़ ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि एक्शन 34 और 420 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें रमन कुमार नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज कराई है। वो खटगढ़ गांव के चुनाई का काम कर रहा था, तभी उसके पास 2 लोग आए, जिन्होंने खुद को सरकारी विभाग में जेई बताया और कहा कि हम आपके मार्केट से 12 से 15 रुपए सस्ते भाव में सरिया दिलवा देंगे। जिसके बाद उन्होंने डीआरडीए के ऑफिस के पास उसके 2 लाख रुपए लिए और मौके से रफू चक्कर हो गए। लाइन जींद में सेक्शन 34 और 420 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक रमन कुमार सन ऑफ राजकुमार वासी सरेडा द्वारा एक कंप्लेंट दी गई है कि वह खटखड़ गांव में चिनाई का काम लगाए हुए था, तो उसके पास 2 व्यक्ति आए और जिन्होंने बताया कि हम सरकारी विभाग से जेई के पद पे हैं और हम आपको सस्ते भाव पर सरिया दिलवा देंगे, जो मार्केट से 10 से 15 रुपए डाउन होगा। उसके बाद वो व्यक्ति उनके साथ आ गए और डीआरडीए की बिल्डिंग के पास उन्होंने उसे एश्योर किया कि हम इसी यहीं पर हमारा कार्यालय और तथा हम यहीं पर काम करते हैं, अगर आप सरिया लेना चाहते हो तो हम आपको सरिया ले जाके दिखा सकते हैं। जब वो व्यक्ति उसको मार्केट में मंडी में ले गए तो वहाँ एक दुकान के बाहर, जैसे कि सरिया पड़ा ही होता है जो लोहे के व्यापारी हैं उनकी दुकानों के बाहर, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने उसने सरिया दिखाया कि ये सरिया है और ये आपको हम दे देंगे, तो आप कितना सरिया लेना चाहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट डे उनके पास फिर कॉल आई, फ़ोन पर संपर्क किया गया और उन्होंने 2 लाख की पेमेंट उन दोनों व्यक्तियों को डीआरडीए के ऑफिस के बाहर चाय के खोखे पास कर दी। तो उसके बाद जब वो व्यक्ति वहाँ पे सरिया लेने पहुँचे तो वो डीआरडीए वाले भी गायब मिले और जो सरिया की दुकान पर व्यक्ति थे वो भी गायब मिला। उसके बाद ये मामला थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया है, कुछ फुटेज है वो भी कलेक्ट की गई है जो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन उसके आगे की जांच की जा रही है और जो फ़ोन नंबर इसमें स्लिप्ट पाए गए हैं उनकी भी गहनता से जाँच करके इस मामले को जल्द से जल्द ट्रेस आउट किया जाएगा। देखिए, इसमें इन्होंने जो इनको अमाउंट प्रॉमिस किया था वो ये था कि जो मार्केट रेट है उससे लगभग 10 से 15 रुपए सस्ता सरिया अवेलेबल करवाया जाएगा, तो इन्होंने टोटल 2 लाख का सरिया खरीदने की बातचीत की थी। तो सर, ये जिस दुकान पर सरिया दिखाया गया उस दुकानदार से बात हुई? देखिए, जो कंप्लेनेंट है उसके उसके पार्ट पर यही कमी रह गई कि उसने उस टाइम पे दुकान के अंदर जाके दुकानदार से बातचीत नहीं की और वो बाहर खड़े हुए व्यक्ति के कहने पर ही उसका सरिया मानकर और इस पूरे घटनाक्रम को ठगी का शिकार हो गया। नहीं, अभी उनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, जो उनके फ़ोन नंबर है उन्होंने एक फोन नंबर से कॉन्टैक्ट भी किया है, उसकी भी सारी डिटेल लेके आगे गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। वहीं घटना के सीसीटीवी फुटेज की भी गहनता से जांच की जा रही है, ताकि अपराधियों को जल्द पकड़ा जा सके। जिंद से मनदीप पिलानिया, पंजाब के सिटी टीवी।